इस हमले पर निष्क्रिय करना, हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करके। जो दबाव में रहता है अक्सर वह हारे, यह आवश्यक नहीं। दबाव वाले व्यक्ति ने साथी व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और लंबाई अधिक होना एडवांटेज नहीं दिखाता है। जो जुनून और आत्मविश्वास बड़े बड़े धुरंधों के छक्के छुड़ाने में अति आवश्यक है, जिसका परिचय यहाँ भी दिया गया। आरक्षक अरुण पापा और आरक्षक आयुष खान, आप सभी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, लंबाई अधिक होना एडवांटेज नहीं दिखाता है। जो जुनून और आत्मविश्वास बड़े बड़े धुरंधों के छक्के छुड़ाने में अति आवश्यक है, जिसका परिचय यहाँ भी दिया गया। आरक्षक अरुण पापा और आरक्षक आयुष खान, अगली कड़ी, अचानक से किए गए हमले को निष्क्रिय करना, हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करके। जो दबाव में रहता है अक्सर वह हारे, ये आवश्यक नहीं। दबाव वाले व्यक्ति ने साथी व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और अपनी सांस का परिचय दिया। ब्लाइंड फोल्ड, बंद आंखों से हथियार का खोलना एवं जोड़ना, जिसका उद्देश्य यह है कि विकट परिस्थितियों में जब प्रकाश की एक झलक भी ना हो तो धैर्य और साहस का परिचय देते हुए हथियार को खोला और जोड़ा जा सके। और आज ये अपने प्रदर्शन से कहना चाहती हैं कि खिलौनों से आंखें खोलकर तो सभी खेलते हैं, पर हम वो हैं जो बंद आंखों से भी हथियारों के साथ खेल सकते हैं। और इसी के साथ पहला वेपन खोलने की तैयारी की गई, और पहले वेपन को खोलने के लिए सबसे आगे महिला उपेक्षक दीपाली परिडा, उनके ठीक पीछे महिला आरक्षक एसएसपी, इनकी प्रगति कुछ इस तरह से बयां हो रही है कि लड़कियां खिलौना नहीं होती हैं जनाब, पिता तो यूं ही प्यार से गुड़िया कह के बुलाते हैं, हम भी छू सकते हैं आकाश, हमें तो बस ऐसे ही मौकों की जरूरत। और सबसे आगे आते हैं महिला आरक्षक असेसमेंट, उनके ठीक पीछे महिला आरक्षक चंपा पाल, तीसरे नंबर पर महिला आरक्षक रुनु राणा, चौथे नंबर पर महिला उपेक्षक नेपाली परिडा, और महिला आरक्षक उपेक्षक बंद आंखों से फिर हथियारों को जोड़ना। आप सभी के साहस का परिचय कराने के लिए मैं कुछ पंक्तियों को समर्पित करना चाहूंगा कि अब अपना बिल्कुल नहीं है नारी, देश हित में संघर्ष रहेगा जारी, कंधों से कंधे मिलाकर खड़ी है ये, दुश्मनों सुधर जाओ वरना अब है तुम्हारी बारी। हथियारों को जोड़ने के क्रम में सबसे आगे महिला आरक्षक रुनु राणा, महिला आरक्षक तीसरे नंबर पर महिला आरक्षक चंपा पाल, चौथे नंबर पर महिला सहायक उप निरीक्षक मंजुलता प्रधान, उनके ठीक पीछे पांचवे नंबर पर महिला उप निरीक्षक दीपाली परिडा, सबसे पहले हथियारों को जोड़ने के क्रम में आगे चलते हुए महिला आरक्षक रुनु राणा, उनके ठीक पीछे महिला आरक्षक चंपा पाल, तीसरे नंबर पर महिला आरक्षक एसएस मीन। अभी मात्र 45 सेकंड हुए हैं और ये तीसरे नंबर तक पहुंच चुके हैं। 50वां सेकंड समाप्त, और ये महिला आरक्षक रुनु राणा ने मात्र 50 सेकंड के अंदर बंद आंखों से हथियारों को जोड़कर सबसे आगे, उनके ठीक पीछे महिला आरक्षक चंपा पाल, तीसरे नंबर पर महिला आरक्षक एसएस मिंच, और चौथे नंबर पर अभी चल रही है महिला सहायक उप निरीक्षक मंजुलता प्रधान। यह देखने में जितना ही सरल, यह उतना ही विकट है कि बंद आंखों से हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट का संपूर्ण इन सारे अटैक्स के साथ सभी दिशाओं में इस्तेमाल करने से किसी भी दिशा से आते हुए दुश्मन तथा उनके हमले को निष्क्रिय किया जा सकता है। सबसे पहले दुश्मन का सम्मान भी करना आवश्यक है। काटा नंबर टू, अपने बाएं दिशा में, अपनी दाईं दिशा में हाथ के पंचेस, लेग पंचेस, पीछे की ओर उन्हीं पंचेस को दोहराते हुए कोनी की मार, हाथ की मार, जमीन पर अपने साहस का परिचय कराते हुए चारों दिशाओं में समूचा प्रदर्शन, और फिर अंत में दुश्मन का सम्मान।
अब आपको कुछ विशिष्ट प्रदर्शन दिखाए न्यूनतम समय अवधि में प्रशिक्षित जवान द्वारा हथियार की सुरक्षा की जांच की गई कि कहीं हथियारों को टूट फूट तो नहीं। स्टैंडिंग फ्रंट बैक एंड फ्रंट फायर, सामने पीछे से आते हुए दुश्मन, लेकिन फ्रंट बैक फ्रंट फायर, आगे पीछे दोनों तरफ से फायर करते हुए, सामने लेकर पीछे लेकर सामने पीछे से सामने लेकर फायर। एक ही फाइल में सभी पोजीशन का समावेश का अद्भुत उदाहरण, जिसे स्टैंडिंग हाई स्क्वाड और हाई लेवल में पोजीशन का समावेश। इसकी अगली कड़ी डायमंड फॉर्मेशन, डायमंड शेप डेली पोजीशन, डायमंड शेप में पुनः सभी प्रकार की फाइल पोजीशन का समावेश। सभी जवान एक ही दिशा में भारी मात्रा में फायर का जवाब अगला कार्यक्रम वेपन फिटिंग असेंबली, हथियार खोलना एवं जोड़ना। जब तक प्रदर्शन को प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है, आइए आप सभी